हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना है तो वो भी पूरी डिटेल से आपको पूरी जानकारी आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको तरह तरह की टेक्निकल से रिलेटेड जानकारी आपको जानने को मिलेगी हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल पार्ट स्टडी में आपका स्वागत तो आइए देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको पहले क्या करना है आपको अपनी जी मेल और आपके पासवर्ड से आपको अपना अकाउंट जो कि YouTube का अकाउंट है वो उसको ओपन कर लेना है तो फ्रेंड्स ओपन करने के बाद में आपको यहां पर इस तरीके से क्रिएटर का आपको बटन दिखाई दे रहा है तो या तो यहां से आपको अपलोड करना है तो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब को ओपन करना है आपको अप, अपना अकाउंट यहां पर इस तरीके से कोले का निशान दिखाई दे रहा है यहां से आपको तो अपना तो अकाउंट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में यहाँ पर तो आपको इस तरीके से क्रिएट का जैसे कि एक कैमरे का निशान दिखाई दे रहा है ना आपको प्लस का तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां से आपको अपलोड करके दिखा देता हूं यहां पर आपको लाल कलर का आपको जैसे अंदर व्हाइट का, का दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट का तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अपलोड वीडियो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको आपके जो भी आपका कंप्यूटर है उस तरीके से आपको कंप्यूटर फ्रेंडली में आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाला हूं तो बने रहिए सारी जानकारी जानने के लिए तो यहां पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है या, या फिर आपको सेलेक्ट फाइल इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी आपकी जो वीडियो जहां पर रखी हुई है उस पर आपको क्लिक कर देना है या आपकी जो डाउनलोड के अंदर रखी हुई है या आपकी जो जहां पर भी आपकी डेस्कटॉप पर रखी हुई है कहीं पर भी रखी हुई है उस पर आपको सेलेक्ट करना है जैसे कि मैं यहां पर ये वाली वीडियो है इस वीडियो, इस वाली वीडियो को मैं अपलोड करना चाहता हूं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए मैंने क्लिक, क्लिक किया है और फाइल नेम का इस तरीके से आपका जो नंबर वगैरह जो भी है जो आपकी जो आपने वीडियो का नाम डाल रखा है तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन का आपको दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ओपन पर क्लिक करने के बाद में आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर इस तरीके से आपको आपको इंटरफेस दिखाई देगा और देखिए यहाँ पर ये मैंने उस पर क्लिक किया है और ओपन किया है ओपन करने के बाद में यहां पर इस तरीके से देखिए अपलोड होती हुई दिखाई दे रही है आपको टू परसेंट तो जैसे जैसे आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो वैसे वैसे अपना अपने आप ही अपलोड होता रहेगा देखिए तीन परसेंट हो गया चार परसेंट हो गया इस तरीके से और आप जैसे कि इस वीडियो को अपलोड होते हुए भी आप अपना जो टाइटल लिखना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो करना लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है जो भी आपकी जो वीडियो है जिससे भी रिलेटेड आपकी वीडियो है उसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप देखिए जैसे कि मैं ये वीडियो मैं यू कोर्स से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ तो देखिए आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं देखिए यहां पर आपको जैसे कि पहला वर्ड जो कैपिटल में लिख देना जैसे कि फ्री यूडमी या फिर यूडमी यूडमी फ्री कोर्स ठीक है इस तरीके से पहला जो वर्ड है जो शुरुआत का वर्ड है आपको कैपिटल में लिख देना है ठीक है कोर्स और बाद में स्मॉल में लिख देना है इस तरीके से आपको लिखना है यानी कि फिर बाद में इस तरीके से लिखने के बाद में आपको तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा स्पेस देना स्पेस तो है ही स्पेस देने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ करवा देना है ठीक है आपके कं, कं कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन रहेगा तो वहां से आपको कर देना है करने के बाद में आपको यहां पर और भी जैसे कि लाइफ टाइम एक्सिस इस तरीके से आपको लिखना है और लिखने के बाद में या फिर दोबारा से दे देना है और फिर अगर आपको और भी लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन कोर्स ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है और भी लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि और भी लिखना है तो यहां पर और दोबारा से दे सकते हैं फिर फ्री यूडमी ठीक है तो इस तरीके से आपको लिख देना है आपको हंड्रेड वर्ड आपको लिख देना है यहाँ पर मैंने 74 फोर वर्ड लिख, लिखा है अगर आपको पूरा हंड्रेड लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये लिखने के बाद में फिर आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर जैसे कि डिस्क्रिप्शन अगर आपको जो भी लिंक आपको अप्लाई करना है आप, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या आपको एफिलेट लिंक आपको अप्लाई करना है या आपको इंस्टाग्राम जो आपकी जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका लिंक आपको अप्लाई करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं या आपको फेसबुक ट्विटर जो भी आपको लिंक अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको तो जैसे कि जैसे कि ये वाले लिंक है ये लिंक मैं आपको उस चैनल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ तो इसको आपको कॉपी करना है कर लेना है देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद में कंट्रोल सी करना है कंट्रोल सी करने के बाद में यहां पर आपके चैनल जो अकाउंट है उस पर आ जाना है इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको कंट्रोल वी कर देना है कंट्रोल वी करने के बाद में इस तरीके से आपको जो कि आपने जो लिंक डाल रहे हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो लिंक डालने के बाद में आप यहां पर आप अपनी जो वीडियो है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं यानी उस वीडियो के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि मैं बताता हूं यहां पर जो वीडियो मैंने डाला है वो यूडमी फ्री कोर्स के बारे में बता रहा हूं तो चलिए मैं बता देता हूँ यहां पर यूडमी फ्री कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है और जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना आपको जैसे कि पहला वर्ड कैपिटल में फिर बाद में स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल में लिख सकते हैं ठीक है ठीके? और अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपका टाइटल में क्या होता है कि आपको ऊपर की तरफ जो ग्रीन में आपको दिखाना दिखाना चाहते हैं तो आप आसानी से दिखा सकते हैं देखिए कैसे दिखाना आपको तो आपको थोड़ा सा एंटर नी, नीचे की तरफ करना है नीचे की तरफ करने के बाद में आपको कंट्रोल करके हज करना है ठीक है या कंट्रोल नहीं है शिफ्ट करके हज करना है हज करने के बारे में आपको जैसे कि आपको जो किस से रिलेटेड आपको वीडियो डाल रहे हो उसका नाम दे देना जैसे कि मैं यूडमी फ्री यूडमी यूडमी फ्री कोर्स ठीक है कोर्स ठीक है और चलिए ठीक है और इस तरीके से आपको ढाल देना है और जैसे कि आपको अपने चैनल का नाम डालना चाहते हो तो आप इस तरीके से डाल लेना है और कर, शिफ्ट करना है शिफ्ट करने के बाद में हज दबा देना है तो अगर आपको जो जो भी चैनल का नाम आपका जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निक टेक्निकल टेक्निकल और स्टडी इस तरीके से आपको डाल देना है अगर आपको एक और डालना है तो आप आसानी से डाल सकते हैं कैपिटल में टीपीएस यानी कि शोर्ट में टेक्निकल पवार स्टडी ठीक है इस तरीके से आप डाल सकते हैं जो भी आप अपना ट्विटर का, का लिंक डालना चाहते हैं तो इस तरीके से फेसबुक तरह तरह की आप डाल सकते हैं आप एफिलेट लिंक भी डाल सकते हैं और भी जानकारी आप डाल सकते हैं फिर आपको क्या करना है अगर आपको नीचे की तरफ आपको करना है तो और भी जानकारी देखिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं जैसे कि आपको अपना थम नेल यहाँ से आपको अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर थंबनेल पर अपलोड क्लिक करना है अपलोड के लिए और जो भी आपका कहाँ पर आपका जो थंबनेल बना रखे हो आपने और देखिए जैसे कि जो थंबनेल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है वो बताता हूँ मैं आपको कि जैसे कि जैसे कि मैंने उस थंबनेल पर क्लिक किया है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से शो हो गया तो जो कि यूट्यूब जो थम लेता है वो लेता है विड्थ होती है उसकी बारह होती है और हाइट होती है सात हाइट होती है तो इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है वो मैंने बता रखा है इस चैनल के माध्यम से तो वो लिंक भी यानी कि उस उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं आप किस तरीके से थंबनेल बनाते हैं और वाई स्टूडियो किस तरीके से करते हैं क्रिएट करते हैं वो सभी जानकारी आपको मोबाइल फ्रेंडली भी बता चुका हूँ वो आप आसानी से देख सकते हैं तो फिर ये हो गया और यहाँ पर देखिए कि मैं जैसे कि यस इट मेड फॉर किड अगर आप जो बच्चों से रिलेटेड कोई वीडियो डाल रहे हो तो आप आसानी से इस पर यस कर देना है बच्चों से अगर आप जो आपकी जो वीडियो है आप बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड यानी कि ये वीडियो बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आपको करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो सेकंड पर आ गया है तो सेकंड पर आने के बाद में फिर दोबारा से नेक्स्ट करना है और देखिए हमारी जो वीडियो है वो 100 परसेंट अपलोड हो गई है आप जो भी आप जो बेसिक काम कर रहे हो इतने में तो आपकी जो वीडियो अपलोड होती हुई दिखाई देगी तो देखिए आपको डायरेक्ट पहले पब्लिक नहीं करना है क्योंकि जो यूट्यूब की गाइडलाइन है यानी कि टर्म एंड कंडीशन है वो चेंज हो गई है जो कि अगर आप डायरेक्ट पब्लिक कर देते हो तो आपकी जो व्यू है वो काउंट नहीं होता है तो या तो फिर आपको करना है पहले अनलिस्ट है। अनलिस्टेड पे करना है या फिर आपको प्राइवेट पे करना है ठीक है इन दोनों में से आपको एक चीज पर कर लेना है तो जैसे कि मैं अनलिस्ट कर देता हूं और अनलिस्ट यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी आप वीडियो डालते हो तो वो डायरेक्ट सर्वर के अंदर जाती है सर्वर के जन, जाने के बाद में वो वेरीफाई करती है यानी कि कोई गलत वीडियो तो नहीं डाल रहा है तो इसलिए यूट्यूब नेक्स्ट जो अपनी जो गाइडलाइन एंड टर्म एंड कंडीशन है वो चेंज किए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपको शेड्यूल करना चाहते हो तो यानी कि आपको कि किस टाइम पर आपको ये वीडियो दिखाने तो आपको दिखानी चाहते हैं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शेड्यूल या इसका टाइम डेट वो सारी जानकारी आपको इस पर क्लिक करने के बारे में आपको मांगा जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं और ये पूरा काम करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से सेव से का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद में तो इस तरीके से आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा जो भी आपका इंटरनेट का स्पीड है तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस का देखिए 99% हो गया फिर नाइन नाइन परसेंट होने के बाद में यहां पर, तो यहां पर पर तो भी आपको दिखाई देगा देखिए तो 100 परसेंट ये अपलोड हो गई है तो इसको कम से कम 15 मिनट बाद में आपको पब्लिक कर देना है इस तरीके से तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको तरह तरह के टेक्निकल से रिलेटेड और भी जानकारी आपको जानने को मिलेगी